अरे कैमरा बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा बंद कर लो, बस पढ़ने पे ध्यान लगा। ठीक है चलो देखो, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास बेटा जो है, मैंने तुमसे पूछा कि भाई जब आप लोग जब छोटे थे तो आपको एक्सपेंडिंग का क्वेश्चन आता था बेटा, है ना, एक्सपेंड करो, तो वहां पे बेटा आप लोगों को क्या बोलता था बेटा इस कॉन्सेप्ट को, डेट इज 32 को मैं कैसे एक्सपेंड करता था बेटा, इसको हम क्या बोलते थे? 30 प्लस 2। हाँ, यूनिट प्लेस। और उसको क्या बोलते थे बेटा? टेंस यार सही है ना, यार अजीब सा लग रहा है सिक्स वाली प्लेस। चीजों को बताने में, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, यही था ना। चलो यस सर। इसको तुम एक्सपेंड कैसे करते थे बेटा? 2 इंटू में 1 प्लस 10 इंटू में 3, यस और नो बेटा? ऐसे करते थे। हाँ ठीक है यस सर। ठीक है। तो यार अगर मैं अपने एक्स वाई को कैसे लिख सकता हूँ बताओ फिर? वाई इंटू में 1 प्लस 10 इंटू में x, यस और नो बच्चों? तो मैं इसको लिख यस सकता हूँ 10x प्लस y बच्चों। ठीक है, पहले हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं बेटा, कोई भी वो फालतू की चीज नहीं कि हम क्वेश्चन में पहुंच जाए और उसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं पड़ता। अगर ये क्वेश्चन को लगाना है तो पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, बिकॉज इस क्वेश्चन से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन तुम्हें ना ऐसा समझ लेना है इस क्वेश्चन को, कभी गलती मत करो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा सभी, कि यार जब ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू को 10x प्लस y लिख सकते हैं हम लोग, तो मुझे एक चीज बताओ बेटा कि मैं वाई एक्स को कैसे लिख सकता हूँ? भाई एक्स इंटू में 1 और यस सर। 10y प्लस, राइट राइट। ठीक है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? 10y प्लस x है, ये सुनो, यस सर। मतलब मैंने क्या किया बेटा, अगर मैंने एक 2 डिजिट का नंबर लिया, क्या लिया बेटा? 2 डिजिट का नंबर, एंड दैट इज xy, तो मेरे पास यहां पर कितने डिजिट हैं? एक्स और वाई, ये डिजिट कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड डिजिट्स। और कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। अच्छा, अगर मैंने इस नंबर को रिवर्स कर दिया बेटा तो क्या बन जाएगा हर्षित? yx, यस और नो? यस सर। मतलब अगर मैं हर्षित तुझसे पूछता हूं 32 का रिवर्स होगा तो क्या बोलेंगे इसे? 23। 23। तो ऐसे बेटा अगर मैं 2 डिजिट नंबर को ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत परेशानी? 10x प्लस y को ऐसे लिख दो 2 डिजिट नंबर को, 10x प्लस y भी तो क्या है? 2 डिजिट का नंबर ही है ना, यस और नो? यस सर। वेरी गुड। मतलब अगर मैं इसको रिवर्स करने के लिए बोलूं तो रिवर्स हो गया, वरुण क्या बन जाएगा ये? 10y+x। हाँ तू वरुण है? अच्छा, मैंने सुना वरुण क्या होगा बेटा? नहीं। टेन यस एक्स वाई सर। प्लस वाई को रिवर्स करेगा तो क्या होगा? सर x+10। x+10। यार एक चीज बता, जब तेरे पास एक्स वाई था बेटा तो तूने लिखा एक्सपेंड करके 10x प्लस y, और जब तेरे पास वाई एक्स था बेटा तो तूने क्या लिखा? 10y प्लस x। ठीक है, तो जब भी आपको रिवर्सिंग द डिजिट बोलेगा तो आपके पास नंबर क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास 10y प्लस x। अच्छा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर पहले से ही नंबर वाई एक्स होगा तब तो वो एक्स वाई हो जाएगा ना, और पहले से ही अगर एक्स वाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? वाई एक्स। ये गिवन पे डिपेंड होता है। अंडरस्टूड बेटा? बता दो जरा मुझे, कोई डाउट है इसमें? नो सर। गुड, ठीक है, हैंड रेस कर लेना बेटा किसी को भी कोई डाउट हो, ठीक है, ये बता दूंगा। अर्पित भाई ओके साहब सर। आ गए यार, ठीक है। तो कभी भी बेटा ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो हमें पूछना नहीं है, भाई टाइम पास नहीं करने हम लोग, ठीक है, अगर वही करना है तो छुट्टी मारो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो यस सर। हमने ये सीखा बेटा कि जब भी 2 डिजिट का वर्ड प्रॉब्लम हमें करना है, जब भी 2 डिजिट का वर्ड कॉलम हमें करना है नंबर के लिए, तो मेरे पास नंबर क्या दिया होगा? एक्स वाई दिया होगा, और एक्स वाई को मैं लिख सकता हूं 10x प्लस y बाय एक्सपेंडिंग इट। ये चीज समझ में आई? और अगर मैंने उस डिजिट को रिवर्स कर दिया,
बिकॉज एक चीज ध्यान रखो, जब भी मैं आपको बोलूंगा एक्स वाई, तो ये एक्स एंड ये वाई, ये आपके दो क्या है बेटा, डिजिट्स है बच्चों। क्या है बच्चों? डिजिट्स है। ठीक, कोई डाउट? यस हाँ, नहीं तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि दो डिजिट का नंबर है, तो उसको क्या मानोगे? लेट दी नंबर शुड बी 10x+y एंड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नाउ नंबर बिकम्स 10y+x। इसमें कोई डाउट है नो सर आरफिन भाई? आवाज आ रही है आपको आरफिन? सर अरे सो रहा है क्या भाई ऑन करके? अरे नहीं सर, अभी आया हूँ। अभी आए हो तो मुझे बताओ सर, मैं आ गया हूँ और मुझे ये चीज नहीं आ रही है, फिर मैं आंसर बताऊंगा, फिर तू बोलेगा यस सर सर। हम क्या पढ़ रहे थे अभी। ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई। ठीक, सर अभी अभी आया था तो मैं बस कोई नहीं देख रहा था। कोई नहीं, प्रांजल भाई साहब भी आ गए भाई, क्लास खत्म खत्म होते होते सब आ रहे हैं। गुड, देखो अब जब सभी आ गए हो तो एक चीज समझ लो, हम लोग आज पढ़ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम में डिजिट प्रॉब्लम, एंड हमारा एम यही है कि आप बस ये भी सीख लो आज बस। ठीक है, डिजिट प्रॉब्लम। तो डिजिट प्रॉब्लम को करने के लिए बेटा हमने क्या करना है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है पहले, कि हमारे पास कोई नंबर 32 था बेटा, और ये 32 जो नंबर है बेटा उसको मैंने एक्सपेंड किया। ठीक है, प्रांजल आवाज आ रही है आपको बेटा? यस सर ठीक है, तो जब मैंने 32 को बेटा एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड करना तो आपको आता था, 32 को हमने ऐसे एक्सपेंड किया बेटा, डेट इज भाई ये यूनिट प्लेस का डिजिट है, ये 10 प्लेस का, तो यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई किया और 3 को बेटा 10 से मल्टीप्लाई किया बच्चे। ठीक है बच्चा, तो ये एक्सपेंड करना तो मैं आ गया, वैसे बेटा मैंने जब एक्स वाई लिया ये वाला, तो मैंने इसको लिखा 10 * में एक्स और वाई * में 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10x+y। और एक चीज बताओ, एक्स वाई को मैंने रिवर्स कर दिया बेटा, क्या कर दिया बेटा, डिजिट को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो डिजिट को रिवर्स करके क्या बन जाएगा एक्स वाई का, वाई एक्स बन जाएगा। यस और नो बच्चों? और जब वाई एक्स बन गया, तो अब मैं 10x+y को क्या लिख सकता हूँ, 10y+x। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक, सर नाउ अब देखो, तो जब भी तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो पहला स्टेप क्या लिखना है बेटा, लेट टी नंबर बी 10x+y। ठीक है, तो अच्छा ये नंबर तुमने 10x+y माना, तो आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग दी डिजिट नंबर क्या बन जाएगा बच्चों? 10y+x। भाई यहां तक क्या किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी बता दो जरा मुझे, नो कभी सर लग कहीं लग रहा हो तो मेरे सर कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल नो सर नो और सर फिर मुझे नहीं आता क्या आया बेटा, क्या नहीं आया बता जरा मुझे। सर, मेरे को ये समझने में, ये तो मेरे को समझ में आ गया जो आपने इसको एक्सपैंड करा, एक्सपैंड करने के बाद नहीं आया रिवर्स वाला। मुझे एक चीज बता, एक्स वाई को तूने लिख दिया एक्सपेंड करके पहले को 10x+10y·1। ठीक है, 10x को किया तो यस टेन सर एक्स आ गया, वाई वन जब वाई आर। एक चीज बता, इस राइट डिजिट को रिवर्स करेगा, अब जैसे मैंने पूछा था 23 का रिवर्स करके क्या बनता है, 32 बनता है ना बेटा, 42 यस यस को बेटा रिवर्स करेगा 24 बनेगा, 24 81 को रिवर्स करेगा बता क्या बनेगा, तो 18 ऐसे बेटा एक्स वाई को रिवर्स करेगा क्या बनेगा बता, प्रांजल क्या टेन बनेगा, वाई एक्स वाई एक्स बनेगा है? वाई एक्स ठीक है बस, तो अब वाई एक्स को एक्सपेंड करेगा तो क्या बनेगा, 10y+x नहीं बनेगा, वाई हाँ इंटू में सर 10+x·1। अब बता कोई डाउट है बता दे। नहीं सर सर चलो बच्चों अब एक सब क्वेश्चन बोल बेटा, सर, इसमें हम सीधा एक्स वाई और वाई एक्स नहीं लिख सकते विदाउट एक्सपेंडिंग? नो बेटा नो, क्योंकि ना यहाँ लॉजिक ये कहता है कि हम ना यहाँ पे एक चीज मुझे बता, हम अब देखो इसको हम पढ़ क्यों रहे इस चैप्टर में,
हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? अनुष्का बता। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जब तू बोल रही है एक्स वाई सर, तो ये एक्स वाई हमारे पास क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है तेरे टू वेरिएबल को? तो कर रहा है क्या? पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? नहीं क्या इसमें दो टर्म्स हैं? बिकॉज एक्स वाई इज ए सिंगल टर्म, एक्स वाई प्लस कुछ होता तो वो रिप्रेजेंट होता ना। अब जब मैंने इस एक्स वाई को लिख दिया टेन एक्स प्लस वाई, इट रिप्रेजेंट टू टर्म्स ऑल्सो हैविंग पावर ऑफ वन, तो ये लीनियर भी हो गया और इसकी वैल्यू कुछ तो आएगी, सॉल्व करके दे रखी होगी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई बेटा टू वेरिएबल की लीनियर वाली। बता दे। ठीक है, यस कोई भी तुमसे तो पूछे कि सर हम सर एक इसमें सेकंड क्वेश्चन दिखाना। क्वेश्चन, रुक जा बेटा दिखा रहा हूं, अगर अब कोई भी तुमसे पूछे ना कि ऐसा क्यों कर रहे, तो तुम बोलना भाई क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो मुझे लीनियर इक्वेशन कैसे मिलेगी? इस तरीके से बेटा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा। अब जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले तो आप लेट करोगे नंबर। अब सुनो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा दिस सम ऑफ टू डिजिट नंबर, ठीक है ध्यान से सुनना, दिस सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग डिजिट इज 66। अब ध्यान से सुनो बेटा एक चीज, लॉजिक से करना। सम ऑफ टू डिजिट नंबर, अब एक चीज बता, सम ऑफ टू डिजिट नंबर मतलब पहला नंबर तुम्हारा क्या हुआ? टेन एक्स प्लस वाई, 10x+y। रिवर्स करने के बाद क्या बनेगा बेटा? 10y+x। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये दो डिजिट का नंबर है, ये भी दो डिजिट का नंबर है, ये रिवर्सिंग से पहले है, ये रिवर्सिंग के बाद है, इसका सम कितना है मेरे बच्चों? 66। बताओ क्या समझ में आया पहला केस? बता दो मुझे। यस सर ठीक, समझ में आया। ये आगे मतलब पहले हमको रिवर्सिंग से पहले वाला और उन दोनों को प्लस करना है रिवर्स्ड वाले को, तब भाई देखो, ऐसा जाकर क्वेश्चन डिजिट सुनो, 66। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, हमने नहीं बोला। देख, इसने बोला था सम ऑफ टू डिजिट नंबर, तो तूने तो पहले लेट कर लेना है कि मेरा नंबर क्या है 10x+y, टू डिजिट का नंबर, यस और नो। और रिवर्स यस करने सर, के टेन बाद क्या बनेगा? 10y+x। वाई प्लस एक्स अब भाई इन दोनों का सम मतलब 10x+y + 10y+x इक्वल टू 66। क्या मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी? सॉल्व कर लो, 10x को x से प्लस करो, 11x, भाई y को 10y से करो, 11y 11। एंड 66। बेटा 11 कॉमन ले लूं, 11 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? y x plus y is equal to 6। ये मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बता रहा हूँ, बस अभी ओरली बता रहा हूँ, अभी सॉल्व करके बता दो कैसे आएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई बेटा? बहुत अच्छे से बता दो। यस सर आ गई। अब दूसरा बच्चा गलत करता है, देखो, इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय टू, एक चीज मुझे बताओ, इस 10xy में कितने डिजिट है तुम्हारे पास? अर्पित बताएगा, कोई नहीं बताएगा, अर्पित बताएगा। सर मेरे को एक कंफ्यूजन हुई, जब आपने 11 को कॉमन लिया तो फिर ब्रैकेट में सर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 66 नहीं होगा? अरे मेरे बच्चे, अभी मैंने चलो डायरेक्ट लिख दिया, 11 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 66। अब बेटा 11 यस नीचे आ सर, गया, यही 11 सिक्सा 66 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? बस हाँ जी सर, सर अब मुझे एक चीज लिखने बताओ, अब कोई दिक्कत नहीं सर। ना? आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था, अर्पित पहले बताएगा लेकिन सुनेंगे सभी, कि इस 10x+y में मेरे पास डिजिट कितने हैं बेटा? सर बताओ। 10 है सर। 10 डिजिट्स हैं, वेरी गुड। अच्छा, नहीं सर, 1 डिजिट है। 1 डिजिट है। हर्षित कितने डिजिट है बेटा, यस सर, कितने डिजिट है इसमें? सर शायद 2 डिजिट हैं। शायद को यकीन में बदल, कितने डिजिट है? हाँ, एक्स और वाई है ना डिजिट अरे भाई, वाह भाई, भाई हर्षित ने वो तो ताली बजा वेरिएबल दी। है। नहीं, नहीं, यहाँ पे अरे वेरिएबल लेकिन के डिजिट है बन यार। तो है ठीक सर, है, तो एक्स फिर वाई को टर्म नहीं हो डिजिट है। गया हाँ, सर? 10x एक टर्म, वाई एक टर्म हो अरे गया। अरे भव्या, बस अब सुनो बेटा, मुझे एक चीज बता, 32 जब तू उसको एक्सपेंड कर रहा था बेटा, 10 इंटू में 3 और 2 इंटू में 1,
बेटा एक्स की जगह ये आ रहा है, वाई की जगह ये आ रहा है, कितने डिजिट मिले बेटा? दो ही डिजिट है ना, 3 और 2। यस सर, तो इसलिए बेटा जब भी तेने एक्सपेंड किया रिपीट 10x+y को, तो इट कंटेन ओनली 2 डिजिट एक्स एंड वाई। बेटा जो भी वेरिएबल होगा, या तेरी भाषा में बोलूं कि जो वेरिएबल होगा बेटा, वही तेरा क्या बनेगा बेटा? डिजिट बनने डिजिट। वाला है। कोई डाउट बेटा? बता दो जरा यहाँ सही तक, ठीक सर। है सभी का? सर इसको लिख ले। नहीं बेटा, बेटा भाई समझने से ज्यादा तू देखने में जोर दे रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है भाई, हो जाएगा सब कुछ। देख पहले क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसे करनी। तो सिंपल ये चीज हो गया बेटा अच्छे से। नाउ तो पहली कंडीशन जो थी कि मेरे पास जो नंबर है 10x+y, और उसको रिवर्स करने के पास जो नंबर बना है दैट इज 10y+x, उसका सम कितना है बच्चों? 66। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है ये, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है बेटा, कि द डिजिट ऑफ अ नंबर डिफर बाय टू। नंबर 10x+y था, इसके डिजिट क्या होंगे? एक्स और वाई, ये कितने से डिफर है बच्चों? 2 से। टू से नो तो सेकंड इक्वेशन बन गई बहुत अच्छे से, बता दो, कोई डाउट है? पहली सर। इक्वेशन मैंने क्या बनाई थी बेटा? x+y = 6। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई बेटा? x-y = 2। भाई साहब एलिमिनेशन मेथड आपको पता है, दैट इज x+y = 6 पहली इक्वेशन, x-y = 2 दूसरी इक्वेशन। मेरे बच्चों वेरिएबल के वाई का कोफिशिएंट टू बराबर है और साइन अलग है, भाई मैं इसको क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूं? वाई से वाई, प्लस माइनस कैंसिल आउट। एक्स और एक्स क्या हो गया बच्चे? 2x, एक्स और 6 और 2 8। एक्स की वैल्यू एट मेरे बच्चों आ गई फोर आ 2 जाएगी। और आ जाएगी बेटा। मैंने कोई भी प्यारी सी इक्वेशन उठा ली, x+y = 6। प्यारी सी इक्वेशन वैसे 2 वाली है, बट यही ले लो। अब x 4 है बेटा, y = 6, y की वैल्यू 6-4 मेरे बच्चों कितने आ गई? 2। तो भाई y की वैल्यू आ गई 2। बच्चे यहीं पे निकाल के छोड़ देते हैं, नहीं हमें नंबर पूछा है बच्चों। हमने नंबर क्या अज्यूम किया था? 10x+y। तो 10x की वैल्यू क्या पुट करोगे? 4। y की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2। दैट इज 10 4 40 + 2 42। रिवर्सिंग करके क्या आ जाएगा बेटा? y 10y+x, दैट इज 10 × 2 + 4 20 करके दिखाना बच्चों, ऐसे मत मत लिख के आ जाना 24। ये हो गया बेटा आपका आंसर। बताओ क्या कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? नो सर, क्लियर है। चलो अब सुनो एक चीज, अभी ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया है ना, ऐसे नहीं एग्जाम में लिख के आना नंबर, बिल्कुल ऐसे ही समझा के देंगे वो 0। ठीक है, करने का तरीका होता है, अभी मैंने पूरा समझाया है तुम लोगों को। ठीक है, अभी जब न्यू सिलेबस के हिसाब से देखोगे, ये देखो तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, तो हमेशा है ना हम इस सॉल्यूशन को इस तरीके से करेंगे, ध्यान रखना। इतना लिखना नहीं है जो उन्होंने समझाया है, इतना लिखना नहीं है बटन को जो उन्होंने समझाया, बस आप ये लिखोगे कि लेट दी टेंस एंड यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड वाई, बस ये लिखना। ठीक है, डियर फोर फर्स्ट नंबर बी 10x+y एंड सेकेंड नंबर बी, ये सब नहीं लिखना एग्जाम्पल वगैरह, एंड सेकेंड नंबर बी बेटा 10y+x। तो आप कैसे लिखोगे सॉल्यूशन, देखो ध्यान से सॉल्यूशन। लेट एक्स इज 10 स्पेस डिजिट, ठीक है बच्चों, वाई एज बेटा यूनिट स्पेस डिजिट, ठीक है बच्चों, और देयरफॉर फर्स्ट नंबर बी 10x+y एंड रिवर्स्ड नंबर बी 10y+x, इतना लिख के बस आ जाओ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा है, हमें कुछ नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत है बेटा। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद ये लिखने के बाद सिंपल क्या करोगे बेटा, तुम ये लिखोगे भाई जो नंबर है एनएक्स और जो रिवर्सिंग नंबर है, इन दोनों का सम कितना है बच्चों हमारा? 66। सिक्सटी इसको कर लो सिक्स 11x+11y
इज इक्वल टू में 66, 11 कॉमन लेके एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया था 6, ये इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद अरे क्या इलेवन लिखा नहीं सर, 10 सर, 10 कॉमन लेना है। बेटा, 10x कॉमन कहाँ लिया, अभी ऐड भी तो करेगा ये, ऐड देखो ना ब्रैकेट में डाला है बच्चे, 10x और अच्छा ये x, 11x हो गया, y प्लस 10y 11y हो गया बच्चे, सॉल्व भी तो करेगा, यस और नो, क्या बोल गया। यस सर, ठीक है, उसके बाद बेटा सेकंड इक्वेशन क्या आएगी प्रांजल, कि जो x और y डिजिट है वो डिफर बाय किसने से बेटा, 2 से, ठीक है वरुण, ये सेकंड इक्वेशन। देन आपको सॉल्व कर लेना है बेटा किससे, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, जो भी आप चाहते हो बेटा, बस इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। कोई डाउट, यहाँ ये लिखो बेटा, अब लिखो सॉल्यूशन ये, और उसके बाद अपने आप सॉल्व करके एक्स वाई निकाल के नंबर निकाल, कंक्लूजिव स्टेटमेंट जरूर लिखना इसकी तरह, देखो देखो जैसे लिखा है, देयरफॉर नंबर शुड बी 42 एंड 24। ठीक है मेरे बच्चों, क्या पूरा ओके सर, प्रोसेस समझ में आ गया, किस तरीके से करना है बता दो जरा मुझे। यस सर, आ गया है। ओके आ गया, सर, वेरी गुड। एक मैं और क्वेश्चन देता हूं तुम्हें करने के लिए, कि किस तरीके से ये होगा, और देन बेटा जो मैं अभी जो 10 मिनट का टाइम दूंगा तुम्हें ब्रेक का, 10 से 15 मिनट का, उसमें मैं एक क्वेश्चन भेजूंगा, वो करके मुझे भेजना है, ठीक है। चलो अब इसी का बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज में होगा, एक सेकंड रुको, ठीक है, तो उतार लो इसे बेटा फटाफट, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट जल्दी से, फटाफट करो। सर यस सर, ये क्या लिखा है? क्या बच्चे, रिवर्स्ड रिवर्स्ड, हटा दे इसको बड़ा स्क्रीन पे दिखाई दे गई, सॉरी। डन बेटा, सबने कर लिया, आंसर निकाल दिया सबका, 42 24 आ गया बच्चों, बता दो जरा मुझे। सर अभी निकाल रहे, रुक जाओ। और हर्षित, वरुण, प्रांजल, तुझे समझ में आया, यस सर। क्या सर? समझ में आ गया प्रांजल? आ गया सर। सर आ गया। वरुण सर आ गया। आ रहा है, अनुष्का, भव्या, यस सर, आ गया सर। अर्पित, अरे यस सर, आ गया सर। पहले हमें एक्स को टेंस की जगह लेना है और वाई को यूनिट प्लेस की जगह, फिर उनको रिवर्स बस करना है और उनको वैसे वेरी कॉमन लेके गुड। करना है। तो जब से घूम के आया मुझे लग रहा है कि फ्रेश हो गया है, तो दिमाग ठीक हो गया है। सर मसूरी से हिल बस स्टेशन, अब लिख बेटा, लिख बस लिख। टेस्ट कैसा गया था भाई कल वाला? सर ठीक ही गया था, वो लीटर वाले एक बार बता देना रियल नंबर का। यस सर, भव्या, मेरा ज्यादातर ठीक था। क्वेश्चन तो मैंने रिपीटेड ही रखे थे, हाँ थोड़े से रिपीटेड था। क्योंकि जो क्वेश्चन, देखो एक चीज ध्यान रखना, मेन टेस्ट में तुम्हें एक चीज बहुत कॉमन मिलेगा, कि हम उन चीजों को टेस्ट में देंगे तुम्हें दोबारा से जो चीज तुमने गलत किया है,
उसको इतनी बार कर लेना है कि वो गलत ही ना हो दोबारा, समझ रहे हो। तो ये एम है, तो उस चीज को ध्यान रखना कि जो तुम टेस्ट कर रहे हो वो लेगेसी आगे आने वाली है अगले टेस्ट में। ये नहीं कि मतलब हाँ सर कि हमने, एक ना क्वेश्चन ये भी था कि हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और एक रेक्टेंगल दे रखा था तो जी अरे उसके वो अंदर। एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन का, तो दोनों को हाँ बराबर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगा के बराबर कर दो, दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, सॉल्व कर लो। मैंने ऐसे करा कि लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया पहले, फिर जो ये एक्स और वाई हाँ वाला था उसको इज इक्वल्स टू करके जो लेंथ इनटू ब्रेथ था नहीं वो कर दिया। इतना दिमाग नहीं लगाना, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड आर इक्वल, तो अपोजिट साइड इक्वल रख के तुम्हारे पास दो इक्वेशन मिल जाएगी आंसर। ओ हाँ भाई सर, रेक्टेंगल एग्जाम्पल नंबर कौन सा है एनसीईआरटी का? बेटा नई बुक है ये, तो अब नई बुक में तो 10 नहीं, आप बस ये लिख लो ठीक है कि ये वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि इस एग्जाम्पल वेरी करेगा बच्चे बेटे ठीक है। आई होप बेटा सबने कर लिया होगा ठीक है। अब दूसरा डालो बेटा फ्रैक्शनल प्रॉब्लम। सर मेरी पुरानी बुक में ये क्वेश्चन ही नहीं है। बेटा मिल जाएगा टेंशन ना ले, क्वेश्चन कैसे नहीं है भाई, क्वेश्चन तो होगा, ऐसे नहीं होता कि क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन होता है ठीक है। खैर अब डालो फ्रैक्शनल प्रॉब्लम बेटा, मैं देख लेता हूँ फ्रैक्शनल प्रॉब्लम है भी कि नहीं। ये तो इन्होंने नई बुक में सब उड़ा दिया, पढ़ा क्यों रहे मैं समझ में नहीं आ रहा, इन्हें लिख दो ना फ्री में पास हो जाए, प्रमोटेड हर बार रिपोर्ट कार्ड में बस ये लिख के दे देना चाहिए बच्चों को। ये देखो है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं लग रहा मुझे, कार तो भाई फ्रैक्शनल प्रॉब्लम है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है, डिलीट कर दिया इन लोगों ने। सर एक दो क्वेश्चन थे फ्रैक्शन के, इस वाले एक एक्सरसाइज ये में। दे दिया, ये देखो देखो बेटा ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हारे पास फ्रैक्शनल प्रॉब्लम आएगा तो हमें यही चीज करनी है बेटा ठीक है, जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ठीक। सो यहाँ पे ना फ्रैक्शनल प्रॉब्लम को करने के लिए सिंपल एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ये वाला ठीक है, बट समझना फ्रैक्शनल प्रॉब्लम में करना क्या है बेटा ठीक। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास ठीक है, दिखाई दे रहा बेटा सबको फिफ्थ क्वेश्चन ठीक। अब सुनो हमारे पास है 5 मिनट, इस 5 मिनट में इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ और बिल्कुल कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनना है अच्छे से, देन मैं एक होमवर्क देता हूँ मतलब क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए सॉल्यूशन। अरे जब भी फ्रैक्शन प्रॉब्लम होगा आपको लिखना है लेट न्यूमरेटर बी एक्स डिनोमिनेटर बी वाई, देयर फोर फ्रैक्शन बिकम क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शन बताओ एक्स अपॉन में एक्स वाई, क्या बाय वन ये एक्स बात समझ अपॉन में आ वन गई बहुत अच्छे से। चलो यस सर। अब बेटा सिंपल लिखना है ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, ये जो फ्रैक्शन है बेटा ये तुम्हारा 9/11 हो जाता है, कब हो जाता है, इफ टू इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भाई मैंने टू को ऐड किया बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या बात समझ में आ गई बेटा अच्छे से ठीक। अब मुझे इक्वेशन बनानी यस है, सर 11 से ये मल्टीप्लाई होगा, 9 से ये मल्टीप्लाई, तो 11 एक्स प्लस टू 9 वाई प्लस टू, तो 11x प्लस 22 9y प्लस 18, तो वे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, माइनस 4, बिकॉज 18 माइनस 22 बेटा, ये पहली इक्वेशन आगे बता दो जरा मुझे, इसको लिख दो कोई डाउट। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, अब क्या कह रहा है, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस देखो क्या बोल रहा है, इफ थ्री इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मेरे पास फ्रैक्शन एक्स बाय वाई होता है, फ्रैक्शन एक्स बाय वाई होता है, यस सर मैंने क्या किया बेटा थ्री ऐड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये क्या हो गया 5/6, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लू,
कोई डाउट? दूरी से दूसरी इक्वेशन बेटा, ठीक awesome. है भाई? क्या इक्वेशन बनेगी? 6x-5y इज इक्वल टू -3। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। बेटा एक बात जान लूँ बस सिंपल सी, अब कि ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन लगा दो एलिमिनेशन, ठीक है? उससे क्या आ गई वैल्यू, एक्स और वाई वैल्यू क्या आ जानी है, येस और नो? आपका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन में ठीक वाई? लेट अस ज्यूम 2 और 3 आ गई, तो आंसर शुड बी 2/3, ठीक है? है सर. ओके सर. अब तुम्हें मैं डिजिट प्रॉब्लम पे एक प्यारा सा क्वेश्चन भेज रहा हूँ, और नेक्स्ट 10 मिनट में आप ग्रुप में भेज रहा हूँ, उस 10 मिनट में बेटा आप मुझे करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने दिया है ग्रुप में तो मिल ही जाएगा तुम्हें, उस पे सेंड करो। ओके देन अभी क्लास होती है तो मैं एक और टाइप की प्रॉब्लम तुम्हें करवाता हूँ, लगभग सारे प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को छोड़ के बस वो ही बचेगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो जाएगा ऑफलाइन में, खत्म। सर, किस टाइप का क्वेश्चन दे रहे हो? वर्ड प्रॉब्लम दे रहा हूँ बेटा अभी, बेस्ड ऑन डिजिट प्रॉब्लम बेटा, ठीक ठीक है सर। है? चलो भेजता हूँ बेटा, ठीक है? चलो करना सर, स्टार्ट करो। इसके एलिमिनेशन से पूरा सॉल्व करके दिखा दीजिए एक बार हाँ ये पहले सारे खुद क्वेश्चन. ही करो बेटा पहले, ठीक है? नहीं हुआ ठीक तो है. मैं करता बताता हूँ।